बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड रिचेस्ट जोडिक साइंस के हवाले से हम बात करेंगे। तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब हम बात करेंगे पाइसिस मीन राशि के हवाले से, पुरजहूद के हवाले से। अब अगर हम आपके जोडिक साइन के हवाले से बात करें, 2025, 26, 27, 28 में क्या बड़े बड़े चेंजेस होंगे, पैसे के मामला कैसे रहेंगे, पैसे का फ्लो भरपूर रहेगा या नहीं रहेगा, या मालदार यानी आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बुरुज की लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, भरपूर पैसा कमाना किस तरह मुमकिन होंगे, कौन कौन से हाउसेस आपको भरपूर फायदा देंगे, कौन कौन से सैयारे गठजोड़ बना के दो ग्रही, त्रि ग्रही या चतुर्ग्रही राजयोग बनाएंगे, या बड़े बड़े राजयोग बनेंगे या नहीं, या क्या कुछ बड़े फायदे होंगे, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इन चारों सालों में यानी बृहस्पति जुपिटर भरपूर तरीके से जलवे दिखाएगा। जुपिटर की पावर्स की वजह से, हाईएस्ट पावर्स की वजह से बहुत सारे मामला आपके सुलझते हुए नजर आएंगे। और अगर कोई ऐसे नवाजिशात के हवाले से बात करें या परेशानियों के हवाले से बात करें, अगर लाइफ में कोई परेशानी है, डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी, उसका दूर करना ये जुपिटर की वजह से होगा। यानी जुपिटर अगर साढ़ सत्ती है, तो अगर साढ़ सत्ती नहीं है तो साढ़ सत्ती के जोर को तो तोड़ेगा, लेकिन अगर साढ़ सत्ती नहीं है तो नवाजिशात भी भरपूर आप पे बनाएगा। यानी आपकी ढैया या साढ़ सत्ती नहीं है तो फिर आप पे नवाजिशात भी बनेगी, ये भी याद रखिएगा। जुपिटर भरपूर तरीके से नवाजिशात लौटाता हुआ इन चार सालों में नजर आएगा। 15 जून 2025 से लेके 20 जुलाई 2026 ये एक पहला गोल्डन ड्यूरेशन आपके लिए बनेगा, सुपर गोल्डन पीरियड बनेगा, जहां हर लिहाज से भरपूर पैसा आना, तेज तरीन दौलत आना, यानी जिसमें आप लखपति, करोड़पति, अरबपति या खरबपति बन सकते हो, अच्छा पैसा जोड़ सकते हो, अपने माजी के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम का तेज तरीन तरीके से बढ़ना इस ड्यूरेशन में, आपके जॉब से अच्छी खबरें सुनना, बड़ी पोस्ट पे अच्छी सैलरी पैकेजेस का लेना, आपके अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, इसके अलावा आपके जैसे मैंने कहा सोर्सेस ऑफ इनकम का बढ़ना, इसके अलावा आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसा कमा पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, जमीनों जायदाद से अच्छा पैसा कमा पाना, ये भी भरपूर तरीके से फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। इस ड्यूरेशन में जुपिटर जो है वो मिथुन यानी जेमिनी के अंदर रहेंगे, भरपूर तरीके से दौलत का फायदा देते हुए आपको नजर आएंगे। 3 जून 2026 से लेके, याद रखिएगा, 3 जून 2025 से लेके 10 जुलाई 2027 यानी ये ड्यूरेशन सेकंड गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए, आपके जोडिक साइन के लिए सेकंड गोल्डन पीरियड, जिसमें भरपूर तरीके से दौलत का हासिल करना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, तमाम मामला का उरूज पे देखना, यानी हर लिहाज से तेज तरीन पैसा आता हुआ आपके सोर्सेस ऑफ इनकम से, आपके जमीन और जायदाद से, आपके ऑनलाइन बिजनेस से, आपकी जॉब, आपके कारोबार से भरपूर पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। 24 जून और 26 जुलाई 2028 याद रखिएगा, 26 जुलाई 2028 तक ये आपके लिए अगेन एक सुपर गोल्डन पीरियड होगा, जिसमें बृहस्पति अपने जलवे दिखाएगा और पैसे का भरपूर फ्लो, क्योंकि ये सिंह राशि यानी कि लियो के अंदर रहेंगे और हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो इस दौरान भी आपको देखने को मिलेगा, यानी करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लखपति बनने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, पैसा भरपूर कमाते हुए आप इन चारों सालों में नजर आओगे। लेकिन ड्यूरेशंस हमने आपको बता दी, इन ड्यूरेशंस में सख्त मेहनत करनी है, अपनी गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, सख्त मेहनत करके ही आप लोग भरपूर तरीके से पैसा कमा पाओगे और इस ड्यूरेशन का भरपूर फायदा उठा पाओगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने जो आपको उस दौरान में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिले या जो आपको अच्छे मौके मिले उसका फायदा उठा सके, उससे आप अच्छा कुछ कर सके, वरना अगर इस गोल्डन टाइम पीरियड को जाया कर दिया तो फिर ये दोबारा नहीं आने वाला, कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और वक्त या यूं कह रहे कि मौका हाथ से निकल जाएगा और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी, फिर वो दोबारा आना कई साल लगेंगे। तो कहने का मतलब अभी अवेल कर लें, अभी भी 4 साल गुजरने में देर नहीं है, 2025 यूं आ जाएगा, अभी आप 2024 6 महीने रह गए, उसके बाद 2025, 26, 27, 28 ये 4 साल लगातार पैसे का भरपूर फ्लो देखना, पैसे का मामला अच्छा देखना, यानी कि जो कर्जे थे, कर्जे का खत्म होना, कर्जे कम होना, बीमारी से बाहर आना, दुश्मनों का दफा होना, दुश्मनों का दूर होना, मेन चीज ये है, जब दुश्मन आपकी जॉब, कारोबार, आपके घर से दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते नजर आओगे। जब रास्ते में से ये रुकावटें दूर होंगी तो खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए, तेजी से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, अगर आपकी साढ़ सती या ढैया चल रही है तो उस सूरत में भी बृहस्पति, मतलब जिनका नहीं चल रहा उनके लिए तो नहीं, लेकिन आपका अगर चल रहा है तो फिर इस सूरत में बृहस्पति जुपिटर उसके तोड़ का हल निकालेगा, यानी कि
एक तो ढैया या सारसत्ती का तोड़ होगा, उसका जोर टूटेगा, या फिर अगर आपकी सारसत्ती ढैया नहीं है तो उस सूरत में नवादशा भरपूर आपकी जुपिटर की वजह से यानी कि गुरु की वजह से बनी रहेगी और आपकी तरक्की का करना, अच्छा पैसा बनाना, आपकी नॉलेज में इजाफा होना, आपके तरक्की के रास्ते खुलना, आपके भरपूर पैसे कमाने के रास्ते इन चार सालों में बन पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इन चार सालों में आपका सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस का बार बार एक्टिवेट होना, यानी फोर्थ हाउस आपके वालदा की सेहत का, अगर फोर्थ हाउस आपके जो रियल स्टेट का बिजनेस आप करते हैं यानी कि घर खरीदने बेचने का, रेंट पे देने का, प्लॉट कोई प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट कर पे देना या बेचना, इस तरह का कोई काम करते हैं उसमें भरपूर पैसा कमाओगे। और सेकेंड हाउस जैसे कि हमने बताया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है, उसके अंदर एक बूस्ट आना, और आपके धन दौलत का घर भी यानी कि गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी का घर भी इसको माना जाता है, इसके अंदर भी भरपूर इजाफा होना ऐसे इन चार सालों में आपको नजर आएगा। हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, कर्जे कम करते हुए और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए इन ड्यूरेशंस में जो हमने आपको लिखवाए इसके अंदर आप देखेंगे शनि की भी इसी तरह से इन ड्यूरेशंस में आपका साथ रहेगा। इन्हीं ड्यूरेशंस में शनि भी भरपूर तरीके से एक्टिव रहेगा और शनि का हर लिहाज से आपके लिए आसानियां पैदा करना, जो अगर साठ सत्तर ढैया अगर होती है अगर आपकी तो शनि यहाँ उसको भी कम करेगा, अगर नहीं है तो फिर नवादिशात इसकी भी बनी रहेगी। और शनि हर लिहाज से वक्री होना और मार्गी होना, ये तो आप सब जानते हैं कि अभी 30 जून से ये हो जाएगा वक्री यानी कि 14 नवंबर तक, और फिर 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये मार्गी होगा, तो ये पूरा साल तो आप ले लें, एक साल अभी आज से आप गिन लें तो पूरा साल तो वैसे ही इसकी नवादिशात में गुजरेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वक्री होकर डबल घरों का फायदा आपको देके भरपूर फायदे दे रहा है, पैसे का भरपूर फायदा दे रहा है, उसके बाद मार्गे होने डायरेक्ट पावर देके ये और ज्यादा फायदे देगा, ऐसा नहीं है इसके फायदे कम होंगे, डबल से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये और मजीद फायदे देगा। मींस पूरा साल इसकी नवादिशात में इसके शनि की वजह से भरपूर फायदे आपको 2024-25 में तो नजर आएंगे, लेकिन ना सिर्फ 24-25 में बल्कि 26-27 और 28 में भी शनि की वजह से पैसे के मामला आपके अच्छे होते हुए तेज तरीन दौरा समेटना और आपको कई तरीके से पैसे के रास्ते सुझाई देना कि आप उन पे अमल करके उससे अच्छा पैसा बना पाओगे, आपके थॉट प्रोसेस का तेजी से चलना, आपके जो भी फैसले होंगे टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड होना, जिसकी वजह से माजी में जो गलतियां कर चुके हैं, जो गलत फैसले कर चुके हो या गलत लोगों पे भरोसा करके बड़ा नुकसान उठाया, फ्रॉड हुआ या फिर इस तरह के मामला हुए, जॉब का बार बार चले जाना या इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए, ये सब अब सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जॉब से अच्छी खबरों का आना, जॉब नहीं है तो जॉब का मिल जाना, या फिर अपनी जॉब में तरक्की का करना, अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। हर तरह से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। शनि की सातवीं दृष्टि आपके सातवें घर पे पड़ना, ये काफी हद तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को तो अच्छा करेगा, लेकिन कारोबार में भी बड़ा बूस्ट देखेंगे। चाहे आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, तीनों सूरतों में इसका ग्रूम करना या इसका फ्लरिश करना, हर लिहाज से इसे बेहतरीन पैसा कमाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का फलना फूलना इस दौरान देखना, ये भी मुमकिन बनेगा। यानी यहाँ पर आपको गुरु और शनि दोनों की नवादिशात मिलेंगी, यानी गुरु यानी जुपिटर की वजह से और शनि यानी के सैटर्न की वजह से भरपूर तरीके से तरक्की कर पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, बैंक बैलेंस बना पाना, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी के सुख देखना, ये सब आपको नसीब होता हुआ इन चार सालों में नजर आएगा। यानी हर लिहाज से पैसे के घरों का एक्टिव होना और खासतौर पर सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस का और इलेवंथ हाउस का एक्टिव होना, यानी इलेवंथ हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए इन चार सालों में देखोगे, प्लस ये ख्वाहिशात की तकमील होना, जो बड़ी बड़ी विशेष आपकी थी या यूं कह लें कि आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, जो भी इन्वेस्टमेंट माजी में की उसका अच्छा पैसा कमा पाना, आपके डेली वेजेस डेली इनकम का पैसा कमा पाना, यानी कि रोज कमा के रोज खाने वाली जो जोड़िक साइन है उनको भी भरपूर पैसा मिलेगा इस दौरान, और अच्छा पैसा बनाते हुए तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। और यही वजह होगी कि 2025-26-27-28 में इनके लिए करोड़पति खरबपति लखपति अरबपति बनना इनके लिए आसान हो जाएगा, यानी पैसे का भरपूर फ्लो ये लोग देखेंगे और तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।